आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर टू का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस हमको जानना क्यों जरूरी होता है? जब तक सिलेबस नहीं पता होगा हम लोग पढ़ेंगे कैसे। और एक बात समझिए, हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सिर्फ गेस पेपर से या मॉडल पेपर से पढ़ लेना या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना बस खत्म हो गया। तो नहीं, देखिए, आप हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको हिस्ट्री को विस्तार से पढ़ना है, और विस्तार से इतना विस्तार से नहीं जितना आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो सिलेबस तो आपको जानना जरूरी है ना, तो सिलेबस बहुत जानना जरूरी है। तो देखिए, आज वही हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमारे ये बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर टू का सिलेबस कितना है। पेपर वन पर पहले ही सिलेबस वाला वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में होगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हमको पेपर टू में पढ़ना है विश्व इतिहास के बारे में। पेपर वन में क्या पढ़ना था? एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में, वो भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना था। इसमें पढ़ना है विश्व इतिहास के बारे में, कहां से 1453 ईस्वी से 1789 तक। अब ये आ जाता है 15वीं शताब्दी के मध्य भी आ जाता है और 18वीं शताब्दी तक। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है, 15वीं शताब्दी के मध्य आई है 18वीं शताब्दी तक। अब इसमें पहला हमारा है भौगोलिक खोज, पहला हमारा टॉपिक। आप देख लीजिए चैप्टर का नाम नहीं है कि चैप्टर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, वही चैप्टर नहीं है। ये सिलेबस मिलता है टॉपिक में, ना कि चैप्टर में। आप अलग अलग किताब खरीदेगा तो चैप्टर अलग अलग होगा, नौ वाला पहला पर होगा, पहला वाला नौ पर होगा, लेकिन पढ़ना इतना ही है आपको। ये टॉपिक मिलते हैं सिलेबस में, ना कि चैप्टर, कि चैप्टर आपका ये होगा चैप्टर वो होगा, नहीं। ये आपका टॉपिक पहला वाला, ये चौथा भी चैप्टर हो सकता है, चौथा वाला पहला भी चैप्टर हो सकता है, इसीलिए आप टॉपिक पर ध्यान दीजिए। तो चलिए बात करते हैं भौगोलिक खोज। पहला में पढ़ना है भौगोलिक खोज आरंभिक उपनिवेशवाद। देखिए, भौगोलिक खोज और आरंभिक उपनिवेशवाद, ये 1453 से शुरू हो रहा है विश्व इतिहास, तो भौगोलिक खोज शुरू होते हैं क्योंकि 1453 के बाद ही भौगोलिक खोज शुरू हो। जैसे ये भारत की खोज कब हुई थी? 1498 में। या अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 में। तो ये कब हुई थी? 1400 के बाद, यानी भौगोलिक खोज उस समय शुरू हुए थे। और उसमें लिखना हो जाएगा भौगोलिक खोज के क्या कारण थे, क्या कारण ऐसे हुए कि भौगोलिक खोज होने लगे, यानी कि खोज में तीव्रता आई क्योंकि जहाज अच्छे अच्छे बन चुके थे, समुद्री मार्ग अच्छा हो चुका था, व्यापार करने के लोगों की जरूरत बढ़ी, और आरंभिक उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद भी बढ़ने लगा। उसके बाद कौन कौन सा देश का बढ़ा? इसमें पुर्तगाल और स्पेन दोनों उपनिवेश, क्योंकि पुर्तगाली जो नाविक थे वही ज्यादा खोज करते थे। वास्को डी गामा आया था कहाँ का था? पुर्तगाल का ही था। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं राष्ट्रों का उदय। राष्ट्रों का क्या उदय? फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, रूस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है विज्ञान और तकनीक का विकास। देखिए, भौगोलिक खोज जब हुआ ना, होना शुरू हो गया, तो विज्ञान और तकनीक का विकास बहुत तेजी से हुआ। देखिए, विज्ञान तकनीक क्या? विज्ञान तकनीक का मतलब अच्छे अच्छे नावें बनने लगी। नाव जब तक अच्छा नहीं बनेगा समुद्री रास्ते से जाएंगे कैसे? दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो गया, दिशा बताने वाला कि इधर पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। अगर समुद्र में कोई नाविक जाएगा तो क्या लेकर जाता है? दिशा सूचक यंत्र। अगर वो लेकर जब भी नहीं करेगा तो पता नहीं चलेगा किस दिशा में जा रहा है। उस समय विज्ञान और तकनीक का भी विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं, चौथा है समांतवाद का पतन एवं आधुनिक युग की शुरुआत। आधुनिक युग की शुरुआत, एक बात समझिए, इसको पूरा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, ये तो पढ़ना शुरू कर दिए, पेपर वन वाला पढ़ना शुरू कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो प्लेलिस्ट में होगा, जाकर देख लीजिएगा। ये भी अब शुरू ही करेंगे, ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ना है, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा अच्छा तरह से। ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, नहीं, पूरा एकदम अच्छा से विस्तार से पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृषि और उद्योगों में क्रांति। इसके बाद कृषि और उद्योग में क्या हुआ? क्रांति हुआ। कृषि, और देखिए, भौगोलिक खोज हुए और भौगोलिक खोज होने के बाद एक देश से लोग दूसरे देश जाने लगे, अपना जो कृषि का जो तकनीक है वो आदान प्रदान होने लगा और ज्यादा जरूरतें बढ़ने लगी, तो क्या हुआ? उद्योग में क्रांति आई। अगला पुनः जागरण, धर्म सुधार एवं धर्म सुधारों का विरोध भी हुआ। धर्म सुधार भी आंदोलन चलने लगे उस समय, क्या हुआ? धर्म सुधार आंदोलन भी चलने लगा। अगला, इंग्लैंड में गृह युद्ध एवं वैभवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड के गृह युद्ध के बारे में भी पढ़ना है इसमें। अगला बढ़ते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानते ही हैं, उसको क्या करना है इसमें पढ़ना। अगला, फ्रांस की क्रांति एवं प्रभाव। इसमें क्या पढ़ना है? फ्रांस की क्रांति एवं प्रभाव। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा, ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि आपको अच्छा से पढ़ाई कर सके। आप हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको पूरा डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना है, और वो भी सिलेबस के अनुसार। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।